भिंड नवागत आईजी चंबल मनोज शर्मा ने जिले की विभिन्न गतिविधियों को लेकर पत्रकार वार्ता की, जिसमें आईजी चंबल मनोज शर्मा, राजेश कुमार हिंगड़कर, डीआईजी चंबल भिंड, पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन ने भाग लिया। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों की ओर से जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन, क्राइम एवं आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई सवाल किए गए, जिसको लेकर आईजी महोदय ने जवाब दिया और कहा यदि जिले में कोई अवैधानिक गतिविधि होती है या कोई ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, चाहे वह पुलिस विभाग से हो या अन्य किसी विभाग या आम आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी उपचुनाव को लेकर भिंड कलेक्टर एसपी को लेकर मीटिंग लेंगे और जिले की तमाम गतिविधियों के लिए प्रत्येक थाना प्रभारियों की मीटिंग लेंगे। जो भी जिले की समस्याएं हैं, बैठकर उसका समाधान किया जाएगा। जितने भी हमारे गणमान्य पत्रकार साथी थे, उन सबसे बड़ी खुल के चर्चा हुई है और सबने विभिन्न विषयों पर हमको अपडेट किया है, उसमें रेत भी एक विषय है। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी को, पूरे टीम वर्क के साथ हम लोग जो भी अवैधानिक गतिविधियां हैं हर तरह की उस पर कार्रवाई करेंगे। जो सारे मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने जिले के सारे थाना प्रभारियों तक को बुलाया है, तो हम चर्चा करके उसको वर्कआउट करते हैं कि किस तरह इसको नियंत्रण में किया जाए। केवल अवैध उत्खनन नहीं, अन्य किसी काम में लापरवाही पाई जाती अपने ड्यूटी करने में या किसी तरह का संदिग्ध आचरण होगा तो उसको कार्रवाई होगी। देखिए जिसकी लापरवाही है उस पर निलंबित भी हुए हो और उनकी विभागीय जांच भी होगी और आगे भी अगर कोई इस तरह की लापरवाही करेगा, हम कोशिश करेंगे सबको ब्रीफ करने का कि वे सजग रहें, ड्यूटी मुस्तैदी से करें, उसके बाद भी कोई लापरवाही करता है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारे कुछ साथियों ने संज्ञान में लाया है कि कुछ लोग पनडुब्बी चला रहे हैं और ये भी कहा कि उसको जलाना विकल्प नहीं, थोड़ा कार्रवाई भी होना चाहिए। प्लस एक आध किसी कंपनी का भी जिक्र आया है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो इसको एक बार मैं स्टडी कर लूँ और स्टडी करके सभी विभागों से, मतलब प्रशासन से, माइनिंग, फॉरेस्ट, इन सबसे समन्वय करके डेफिनेटली हम लोग प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक विषय पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं केवल इतना कहूँगा कि जो भी वैधानिक कार्रवाई है किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ वो नियमानुसार की जाएगी। हम लोग प्रारंभिक दौर की बैठक कर ली है, हमारे कमिश्नर साहब चर्चा कर ली है, सभी कलेक्टर साहबान और एसपी साहब से चर्चा हो रही है और उसी अनुक्रम में आज मैंने सभी थाना प्रभारियों को बुलाया है कि पूर्व में जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।